Priyanka and welcome back to my channel Organizopedia. So last Monday, I made a video published kiya tha. That was on how to keep all your electronic gadgets clean at home. और उसके लिए मैंने एक DIY cleaning solution भी ready किया था, जो कि मैंने rubbing alcohol plus distilled water की help से बनाया था. और ये दोनों ही चीजें आपको बहुत आसानी से किसी भी लोकल मार्केट में मिल सकती हैं और ऑनलाइन स्टोर्स में भी बहुत आसानी से आप इनको सर्च कर सकते हैं. तो आज मैं फिर वही सेम सॉल्यूशन को बनाने वाली हूँ इस वीडियो में भी, बट एक डिफरेंट मेजरमेंट के साथ में. और ये सॉल्यूशन की हेल्प से इस बार मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्लीन करके नहीं दिखाऊंगी. इस सॉल्यूशन की हेल्प से आज हम ये देखेंगे, जो हम स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं उनके लेंसेस को हम उससे बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं. मेरा एक बेटा है जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 मंथ्स का है. तो आजकल वो क्या करता है, उसकी एक आदत हो गई है, वो मेरे मम्मी पापा के स्पेक्टिकल्स निकालता है और उनमें अपने बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स के मार्क छोड़ देता है. और जब भी वो उसे वापस लगाते हैं उनको साफ करना पड़ता है, एंड दे आर नॉट एबल टू रीड एनीथिंग. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ और एक सोल्यूशन रेडी करती हूँ जिसकी हेल्प से मैं उनके स्पेक्टिकल्स को क्लीन कर सकती हूँ और उनको बार बार एक माइक्रोफाइबर क्लोथ नहीं लाना पड़ेगा और उसको साफ नहीं करना पड़ेगा. तो ये बहुत आसान है. आप एक कंटेनर में बहुत सारी वाइप्स रखी हुई हैं, बस एक वाइप निकालिए, लेंस साफ करिए, एंड इफ यू वांट यू कैन कीप इट बैक और जस्ट थ्रो इट अवे. और मैंने इसको दो कंटेनर्स में रखा हुआ है सॉल्यूशन को, ताकि आप चाहें तो एक आप आपके बेड साइड टेबल पे लगा सकते हैं, एक आप उसको अपने वर्किंग डेस्क के ऊपर भी रख सकते हैं, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन कीप इट वन इन योर ट्रैवलिंग बैग ऑल्सो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो अब इसके लिए हम सबसे पहले एक खाली ग्लास कंटेनर लेंगे और आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये अंदर से एकदम सूखा हुआ हो. अब उसके बाद में हम माइक्रोफाइबर क्लोथ लेंगे और ये आप बहुत आसानी से किसी भी ऑप्टिकल या चश्मे की दुकान से बहुत आसानी से आपको मिल जाता है. अब हम इनके कुछ पीसेस में इसको हम कट करेंगे एक सीजर की हेल्प से. जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट करके रख लेंगे. अब मैंने एक यहाँ पर एक ग्लास लिया है, उसके अंदर मैं इस सॉल्यूशन को रेडी करने वाली हूँ. पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस बार इसका जो मेजरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक कैप है, इस बॉटल के एक कैप के बराबर है, जो कि एक कप आइसोप्रोपाइल रबिंग अल्कोहल और एक कप आपका डिस्टिल्ड वाटर है. अब इसके बाद में आप वो जो आपका ग्लास कंटेनर था, फनल की हेल्प से आप इसको इस मिक्सचर में ट्रांसफर कर दीजिए. अब हम एक एक कर अपनी जितनी भी माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं वो एक के बाद एक इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे. और आपको अगर ये लगता है कि इसके अंदर अभी भी बहुत सारा वेट सॉल्यूशन है, तो आप एक दो और माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके उसे कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं. इसको शेक करिए और आपका सॉल्यूशन एकदम रेडी है. और अब यहाँ पर मैं आपको इन वाइप्स के हेल्प से स्पेक्टिकल्स को क्लीन करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा फर्क आता है. तो आप इसको निकालिए, दोनों साइड से स्पेक्टिकल्स को अच्छे से साफ करिए और इसको छोड़ दीजिए. क्योंकि हमने आइसोप्रोपाइल रबिंग अल्कोहल यूज़ करा हुआ है, उसकी हेल्प से इसमें कोई भी तरीके का मॉइस्चर नहीं अटकता है और बहुत जल्दी आपके जो चश्मे हैं वो बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं. और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत जल्दी से उड़ जाता है, ड्राई हो जाता है, इस वजह से इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट नहीं है. अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा ग्लास कंटेनर लीजिए जैसे कि मैंने लिया है और इसको बहुत अच्छे से साफ कर दीजिए. बिल्कुल भी ये गीला नहीं छूटना चाहिए. उसके बाद में फिर से आप चाहे तो सॉल्यूशन रेडी कर लीजिए, जो भी मेजरमेंट्स आपको मैंने बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. फिर माइक्रोफाइबर क्लोथ्स को कट करिए और इसमें 4 से 5 स्ट्रिप्स आप इसमें डालिए और आपका सॉल्यूशन एकदम रेडी है. अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी जो बना हुआ सॉल्यूशन है उसमें से आप 4-5 वाइप्स निकालिए और अपने छोटे ग्लास कंटेनर के अंदर इन वाइप्स को ट्रांसफर कर दीजिए. और ये बहुत आसान है, इसको खोलिए, यूज़ करिए और आप इसको फेंक सकते हैं. सो ये एक बहुत आसान तरीका है अपने चश्मों को हमेशा साफ रखने का, और इससे आपके चश्मे बहुत जल्दी खराब नहीं हो पाएंगे. सो आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो और प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड एज यू नो देयर इज अ बेल आइकन, सो प्लीज उसको भी क्लिक करें ताकि आपको हमेशा मेरे कोई भी वीडियो जो मैं फ्यूचर में अपलोड करने वाली हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आ सके. और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चाहे तो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में उसको शेयर भी कर सकते हैं. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय.